Myself, Harshita Negi. I basically belong to Uttarakhand, but currently I'm living in Delhi. तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है तुम्हारा नेगी साहब के एक और बेहतरीन व्लॉग में। कपड़ा लगा दिए ताकि अंदर न जाए। हाँ अरे भग जाती है अंदर, कल रात को भाई इसको ढूंढ के पागल हो गई, कल उल्टियाँ कर रही थी इसको भाई, अंडा हजम नहीं हो रहा, ऐसे खाती है ना कुत्तों की तरह बिल्ली हो गए, इसको अंडा होता नहीं हजम है आंटी। हाँ आप इसको बंद कर दिए, उल्टियाँ कर रही थी रात को, उल्टियाँ लेटरिन मतलब दस्त वगैरह लग गए थे बेचारी को। अब देखो थोड़ा बहुत दूध दिया, आराम से बैठी गाय का, वो भी आराम से बैठी है भाई, इसको हजम ही नहीं हो रहा खाने के लिए, ऐसे गप गप करके फटाफट खा जाएगी बड़ी पागलों की तरह, तुमने देखा होगा वीडियो में। तो भाई फिलहाल अपन जा रहे हैं खाने के लिए कुछ लेने, है आंटी? वीडियो तो उन्होंने कहाँ दिखाया मेरे को, ये तो रे आप दिखते रहे वीडियो में, दिखा रहा तुम अब तेरा, पहले भी तो दिखे थे आप। तो भाई फिलहाल निखिल भी आ चुका है, वहाँ से आ रहा था, हेडफोन किसके मांगे वैसे? दीदी ने दिए हैं। अच्छा मैं क्या, तू तो खरीदने से रहा, तू आराम है, 16% बैटरी GoPro में, वो सारे चले गए पार्क में खेलने। वे धूप में खेलेगा, वे जशन धूप में खेलेगा, धूप में हैं। और देखो भाई उसने गंजा हो रखा है, उसको चटप्पा बोल रहा है, चटप्पा बोल रहा है कटप्पा भी नहीं चटप्पा। चल बहन है आज इंटरव्यू है, हाँ। किस चीज़ का आज भी है ना, आज भाई ऑनलाइन वाला इंटरव्यू है इसका। हाँ भाई जैसे ने इधर चटप्पे चटप्पा अरे भाई कटप्पा भी नहीं चटप्पा, नया वर्ड है। हैं जशन कितने रखा है? हाँ आशिक भैया ने, आशिक भैया ने। चलो भाई चलते लेके आते हैं, ऐसा क्या खाएं, कुछ भी बढ़िया सा। चलो भाई पहले लेके आते हैं फिर मिलेंगे, देखो बैठना तो ऊपर जाके बैठ जा आंटी, ये काम करती हैं जा। तो भाई फिलहाल अपन पहुंच चुके घर, ये रहा निखिल बैठा हुआ था, और ये हमारी बिल्ली सो रही है, पता नहीं क्या है इसको, कल भाई बहुत बीमार हो गई थी, उल्टियाँ कर रही थी बेचारी, इसलिए हम इसको छेड़ने से बैठे थे। तो फिलहाल अपन लाए हैं, ये तो भाई थोड़े वो है क्या कहते हैं इसको, कचौड़ी लाई है अपने लिए, और अपन लाए भाई अपने फेवरेट बड़े दिनों बाद कचौड़ी। ये तो कुलचे दे रहे हैं, ले कुलचे दो भाई, तो पकड़ो अपने कुलचे पकड़ो, छोले भी दो, लो अपने छोले पकड़ो, ये है भाई अपनी, ओ अनबॉक्सिंग, तो निकालते हैं, निखिल भी खाएगा हमारा। ओ निखिल इसे खा के बता क्या, अबे यार इधर इसको नीचे उतारने के लिए, इसको नीचे उतार, नीचे उतार, नीचे उतार दे, हाथ धो ले जा, फिर निखिल रिव्यू देगा हमारा, बताओ भाई कैसी है, कैसी है, अच्छी है। निखिल तेरे को कैसा लगा वॉशरूम नया वाला, मस्त है, दिक्कत परेशानी पहले वाले से बढ़िया पहले वाले से बेकार है? सही है, पहले वाले में ना सीट वीट ढंग से नहीं थी थोड़ी, सही है बैठने बैठने में इसका भाई बढ़िया वाली है, वाली 4-5 हज़ार वाली दिल लगाई है हमने। तुम्हारे भाई को पहले वाली भी अच्छी थी, मतलब ये वाली बेटर, इसमें ना वो पहले वाली थोड़ी लीक वगैरह कर रही थी, तो हमने चेंज करवा दी थी। बाकी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वैसे 1500 घंटे हो चुके, पर इसमें 1.6 स्टार दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, मैं भी शायद क्योंकि 1554 है, तो 54 की वजह से मतलब हाफ से ज़्यादा, इस वजह से 1.6 शो हो रहा होगा जितना मुझे लगता है। बाकी भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये जी हमारी बिल्लू सोने वाली, भाई कहाँ जाऊँ आज बताओ भाई, मैं बिल्कुल, अब देखो उंगली ना थोड़ी, अब उंगली इतनी हो रही, इतनी फोल्ड हो रही है, देखो सूजन कम है भाई पहले से, बहुत पहले से सूजन कम है, अभी है पर पहले से कम है। तो फिलहाल देखते हैं कहीं जाएँ, तो यार कहीं जाना पा ही नहीं रहा, पर कल है हमारा रिजल्ट, क्या बताए तुमको, बाकी देखते हैं भाई क्या होगा, रिजल्ट है फेल है या कंपार्टमेंट है, पास होने की तो उम्मीद ही नहीं है, फेल या कंपार्टमेंट में से कुछ आएगा। फिलहाल अश्ता को होने वाला इंटरव्यू है, अश्ता दो नीचे पजामा ऊपर शर्ट ये तो नीचे दिखने का इतना ही पार्ट दिखने वाला है, अब बटन बंद करो ये वाला के रहने दो, नहीं एक बटन हमेशा ओपन रहता है, क्योंकि किस चीज़ का टेस्ट है तो बता दे,
हाँ मतलब कौन सी जॉब का है तुम्हें पता है, इंटरव्यू तो जॉब का ही होगा। बता किस चीज का है ये? तो मान ले एक आईटी कंपनी है तो उसी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा। अबे कंपनी कौन सी है? इंजीनियरिंग असिस्टेंट। हाँ किसकी कंपनी है, क्या है, किस चीज का? आईटी कंपनी है भाई, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अच्छा। कंपनी है, देखते भाई तुम्हें दिखाएंगे अर्षिता का। अब ना फोन कहाँ गया मेरा, फटाफट से ईमेल। देख लो कितना तगड़ा कैमरा है तुम्हारे भाई के लैपटॉप का, देख रहे हो एकदम चमक दमक वाला। कोई कहेगा अभी और मैंने रिंग लाइट जला दी नहीं ना तो ऐसी चमक आ जाएगी ना तुम सोच भी नहीं सकते है अर्षिता। अगर अगर चमक फिर तो पहचान भी नहीं सकते तुम इतनी सही। देखो अब देखो लाइट के सामने एकदम क्लियर है। फोन आया तुम्हारे भाई का, चलो कोई नहीं। तो वैसे अर्षिता की हो गई है बस चालू अर्षिता लोडिंग। आस्था की फोटो आ रही है तुम देख सकते हो। बोलियो एक शब्द भी नहीं पहले बता दूं। हां बाहर निकाल देंगे अपना। चुप रहो यार। नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। माय सेल्फ हर्षिता नेगी, आई बेसिकली बिलोंग टू उत्तराखंड बट करेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली। आई हैव कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन in 2017 with 8 CGPA and 12th in 2019 with an aggregate of 85% marks from Shri Guru Nanak Public School Adarsh Nagar. Currently I am pursuing diploma in electronics and communication engineering and along with BSc general from Hansraj College IGNOU. My hobbies include reading and shopping. My strength is that I can easily understand things and I'm always ready to learn something new. My short-term goal is to achieve a good job in a reputed company like yours, and my long-term goal is to achieve a position which helped me to build my career and also help the organization. Okay, that's great. Good to hear. Okay, let me ask a few questions. So, let me go through your resume once. Okay, so you're pursuing BS along with the diploma? Yes, ma'am. Okay. So, diploma you're in which sir? Electronics and Communication branch. No, you're in which semester? Sixth semester, last. Yes, ma'am. Last semester. Okay. So, what are the technical skills in the academy which you have learned? Can you please repeat, ma'am? I'm not able to listen. What are the technical skills that you have learned in your academy? Ma'am, basically circuit making, a little bit about soldering, and CRO. Mutations and it should be a team worker along with an individual worker. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, bye-bye. Take care. Bye, ma'am. क्या बोला मैडम ने, क्या बोला मैडम सुना नहीं, मेरी इंग्लिश खराब है, मेरे को इतनी आवाज ही नहीं आ रही, मेरे को पता नहीं तू समझ कैसे रही है, वो इतनी धीरे धीरे बोल रही मैडम के मतलब आई कांट अंडरस्टैंड क्या बोल रही है वो बेसिकली बोल रही है कि तुम्हें अपनी टेक्निकल स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी थोड़ी सी इंप्रूव करनी चाहिए और अपना थोड़ा सा क्योंकि ये थोड़ी सी उसी से रिलेटेड कंपनी है तो आपको थोड़ी अब भाई इसका तो ईमेल आएगा बाकी अच्छा हो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक फीमेल लेगी मेरा मैं सोचता था कि सर होंगे वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे इन्होंने तो बिल्कुल ये आंटी का पीछे ना चार्जर लटक रहा था पीछे ना उनके वो छोड़ और उन्होंने अपना ऐसे वीडियो चल ली थी उनकी इतनी बस इतने सर तक की हाँ क्या बोल रही है इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा जितना मैं पढ़ के गई थी बेसिक बस तुम्हें क्या आता है तुमने क्या करा है मैंने बोला मुझे थोड़ी सी लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम है और वो थोड़ी सी मुझे इंप्रूव करनी है वो तेरी इंग्लिश देख के सेट हो गई लग रहा है इतनी तो अच्छी मैंने बोली भी नहीं मतलब भाई मेरे से तो बेटर ही है हम भाई हम कहां हमारे फेल होने की नौबत है ये लोग भाई साइंस लेके बैठे हुए पहले बायो ली थी फिर इंजीनियरिंग में घुस गए
इतने समझदार हैं। मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या है कि बायो मैंने ली थी बिकॉज उसको मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि एमबीबीएस करनी पड़ेगी, मैं सोचा फार्मेसी वगैरह कर लेंगे। अब एमबीबीएस में 5 साल लगेंगे, उसके बाद 2 साल तुम इंटर्नशिप, 3 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल यार मैं नहीं लगा सकती इतने भाई। ठीक है मेरे थोड़े से गोल्स अलग हैं। किसका लैपटॉप बचते जगन तेरा देखा आखिरकार बस दोनों से डिस्कस करते जाके मैम तो कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा पहले बता देती मैडम सेट लग रही है तेरे को मतलब मैडम को इंग्लिश पसंद आई आई थिंक सो। नहीं कहां ये इंग्लिश आई है, कितना रुक रही थी मैं देखा नहीं तूने बीच में जो तूने स्टार्टिंग में रटा हुआ था वो तो सही बोला ना एटलीस्ट। अरे यार वो रटा उसके बाद भी मैंने काफी सारी चीजें सही बोली हैं। नहीं जो तूने रटा था ना मैडम उसने हेड हो गई थी। देखा ये साइंस वाले बच्चे रट सकते हैं हमारे बस के लिए। ये रटना नहीं होता है, मैंने ये कहीं लिखा नहीं था, ये दिमाग में याद था, मैंने बिना लिखे सारी चीजें बोली हैं। रटा रटती नहीं हूं। देखा अब पता नहीं भाई वो तो भगवान जाने पास होएगी फेल है आज था। हाँ वो ईमेल आ जाएगा अगर वो सिलेक्ट वगैरह करेंगे। अगर सिल नहीं करेंगे तो नहीं भेजते। हाँ नहीं करेंगे तो नहीं भेजेंगे। अगर उन्होंने एक दो दिन में ईमेल भेज दिया इसका मतलब आप सिलेक्टेड हैं, नहीं भेजा तो नहीं है। सॉरी सॉरी लेट्स सी फिर क्या होता है भाई। तो अपन थोड़ी एडिटिंग करते हैं। मैम आई थी सर नहीं आई थी। अपने बारे में बताओ। देखा देख पूछ रही है भाई पास तू होएगा मैं होंगी सबसे पूछते हैं। अब 10-20 बच्चों को फोन करके पूछेगी सबसे कि हाँ भाई तेरे साथ क्या हुआ तेरे साथ क्या हुआ, यही सीन है बस बच्चों को तुम्हें पता ही है। तो बस फिलहाल अपन आ चुके हैं घर, पापा बता रहे हैं कि वो कुछ बच्चे फिर आ गए थे आज हैं। हाँ तब 5 बच्चे आए थे भाई, लगता है गिनतियाँ बढ़ रही है बच्चे भाई घर के नीचे आ जाके आवाज़ें मारते हैं। फिर पापा कह रहे हैं अभी तो जिम गया हुआ था तो भाई मैंने देखा नहीं, कोई नहीं दोबारा आएंगे तो तुम्हें बता देंगे भाई, अब रिकॉर्ड कर लेंगे। पिछली बार रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने, मैं कहा छोड़ क्या रिकॉर्ड करना है, वो बच्चे आने लग गए चलो कोई नहीं अगली बार रिकॉर्ड करके तुम्हें दिखाएंगे। तो फिलहाल कुछ खाने पीने का करते हैं इंतजाम। बताना भाई चेस्ट वर्कआउट करके आया तुम्हारा भाई, चेस्ट वर्कआउट कर देगा ऐसे करके दिखाओ, ऐसे इसमें दिख नहीं रहे कपड़े में दिखते नहीं है देखो तुम्हारा भाई गुड्डे सीख रहा दे जट भी भाई। फिलहाल तुम देख सकते हो मैं तुम्हें दिखाना भूल गया, पापा ने यहाँ पे सीट सिस्टम कर दिया हूँ उनका, बस में कोई दिक्कत है बस नीचे ना आ जाए हमारा प्यारा हेलमेट। तुम्हारे भाई का गोप्रो माउंट है भाई, सबसे आसान तरीका गोप्रो लगाने का देखो, यहाँ डायरेक्ट एक चीज़ बांध दो यहाँ से तुम्हारा गोप्रो सीधे यहाँ फिट हो जाएगा, सबसे ईजिएस्ट वे है। पता नहीं यार मैं कुछ और भी बताने वाला था तुम्हें पर मेरे दिमाग से निकल गया, अब सोचता हूँ क्या बताना था तुमको मैंने। बाकी खाना खाते हैं प्याज काटते हैं थोड़ा। तो भाई फिलहाल मम्मी लेके आई है हमारे लिए पिज्ज़ा, और मम्मी एक और चीज़ लेके आई है रैक, तो मम्मी लाई है ये रखने के लिए, इसमें रखेंगे जूते, हो जाएगा अपना काम इसमें, ये कवर है एकदम बंद सा हो जाएगा, तो मैं जूते रख के दिखाएंगे उसके पीछे रखते हैं यार फिर दिक्कत होती निकालने में है मम्मी। तो अभी भाई खाना खा के हटे हैं अपन लोग, अपन ने खाना भी खाया है। मम्मी इस लोग को एंड तो कर दो बड़े दिन हो गए हैं। तो गाइस हैं नहीं आप नहीं कर सकते, आज मम्मी की बारी है। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं एंड, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। भाई पहले बाय बोलना करेगा, बाय बाय गाइस।